बिग बॉस ऑलरेडी सीजन 3 खत्म होने के बाद हर किसी को फाइनली इस बात की जानकारी लगी कि सना सुल्तान एक्चुअली सना मकबूल जो बिग बॉस के घर के अंदर कहती थी कि हाँ उनका एक बॉयफ्रेंड है, वो सामने भी आ गया और वो थे श्रीकांत जो कि एक बिजनेसमैन है। उनकी पर्सनैलिटी बिग बॉस के एक्चुअली टेलीविजन के एक्टर से बिल्कुल हटके है। सना सुल्तान से भी बहुत ऑपोजिट उनकी एक पर्सनैलिटी दिखाई देती है। अब वो इंसान अच्छे हैं, सना के साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी है, प्यार है, ये बात अलग है। लुक वाइज यहाँ पर बहुत सारे अनाप्शना बातें ट्रॉलिंग सोशल मीडिया पर नजर आई, जो करते हुए अरमान मलिक भी नजर आए थे कि मुझे ये थुल थुल कहती थी, मेरे फिगर का, मेरी बॉडी का और मेरे रिलेशंस का मजाक उड़ाती थी, खुद क्या कर रही है। उनकी वाइफ पाया ने तो ये कह दिया कि भाई पैसों के लिए रिश्ता रखा है सना मकबूल ने श्रीकांत के साथ। और इसके ऊपर खुद सना तो अभी तक कुछ कहती हुई नजर नहीं आई है, लेकिन चाहे अरमान हो चाहे पायल, उन्हें जरूर एक जवाब देते हुए नजर आए हैं विशाल सिंह, जो लगातार उनके ऊपर रोस्ट वीडियो बनाते हुए नजर आ रही हैं। बहुत पॉइंट टू पॉइंट सटीक बातें अरमान मलिक और उनकी वाइफ के अगेंस्ट कहते हुए नजर आते हैं अपने रोस्ट वीडियोज में। और इस बार उन्होंने सना और श्रीकांत पे कही गई अरमान और पायल की बातों पर क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। कितना गलत किया, तेरे को तुलसुला बोल गई, तेरे को तो ऋतिक रोशन बोलना चाहिए था ना, एक दूंगा कान नीचे पूरा दिल्ली दौड़ेगा। अरे तू शुक्र मना कि हम जैसा कोई लौंडा इस बार बिग बॉस में नहीं आए, तो तेरी इतनी बेइज्जती होती कि तू खुद से खुद को नॉमिनेट करे, खुद ही बिग बॉस का दीवार खुद के बाहर आ जाता। शादी शादी तेरी जिंदगी में इतना मैटर करता है भाई कि अगर इस दुनिया में शादी ना होता तो तू ना होता। तुझे बिग बॉस मिला शादी की वजह से, तू फेमस हुआ शादी की वजह से, लोग तेरे व्लॉग्स देखते हैं शादी की वजह से। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा कि दो बीवियों को लेकर बिना किसी टैलेंट के फेमस हो गया। तुमने क्या देख के भाई शादी करने का डिसाइड कर लिया? तो तुमने क्या देख लिया हमारी टॉप 5 की एटमॉस्फेयर वाली भाभी में? ना हिंदी बोलने आता है, ना इंग्लिश, ना हिंदी बोलने आता है, ना इंग्लिश बोलने आता है। हमने कभी मजाक उड़ाया नहीं। दोनों दांत के बीच में गैप है, हमने कभी मजाक उड़ाया नहीं। जो बच्ची कुची कसर बाकी थी बाहर लॉन्डो ने इससे कंपेयर कर दिया, हमने कभी मजाक उड़ाया नहीं। नो मनी नो हनी। वाह पायल भाभी वाह, मतलब खुद अभी थोड़े दिन पहले मोर्चा खोल के बैठे थे कि मेरे गोलू को लोग किन्नर बोल रहे हैं, हिजड़ा बोल रहे हैं, ऐसे कैसे आप लोग बोल सकते हैं एक लड़की को, और खुद एक लड़की के लिए ऐसा बोलते हो, शर्म ना आ रही? ये बात मनी मनी और हनी हनी की तो हम भी देख रहे हैं, कौन पैसों के लिए अपनी बहन जैसी दोस्त को सौतन बनने दिया, कौन अपने पति से दूसरी शादी के बाद भी डाइवोर्स ना दिया ताकि पैसे और प्रॉपर्टी प्रॉपर मिलता रहे, कौन बिना मतलब का यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ब्लॉग बनाकर। बिग बॉस से निकलने के बाद तो खुश ऐसे लग रहे हो जैसे लग रहा है कि तीनों को एक एक ट्रॉफी मिली हो। एक खानदान से तीन लोग, तीनों के तीनों खाली हाथ मुंह उठा के वापस आ गए और जो जीत गया उसको मक्खी कह रहा है। भाई गेंडा स्वामी अगर ये मक्खी तेरे अंदर घुसने में आ गया ना, घुस के ऐसा काटेगी ना, कभी जिंदगी में ब्लॉग बनाने के लिए फोन ना पकड़ पाएगा। जैसे कि हमने कहा, विशाल कुछ बातें सटी कहते हुए नजर आते हैं अरमान मलिक के अगेंस्ट, और इस बार भी उन्होंने अपनी कुछ दिल की बातों को सामने रखकर सना और श्रीकांत के पर्सनैलिटी और उनके जिस तरह इल्जाम लगा रहे हैं सना के इंटेंशंस का पायल ने जोड़ा है उस पर जो कुछ कहते हुए नजर आए हैं विशाल सिंह, उस पर आखिर आपका क्या कहना है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी ना जाए। Thank you.